सुप्रभात, आप सुन रहे हैं साई की महिमा मेरे साथ यानी औषम खेत्रपाल के साथ फीवर 104 पे। आपका स्वागत है साई की महिमा विद औषम खेत्रपाल प्रेजेंटेड बाय कृष्णा साई अगरबत्ती। आज हम बात कर रहे हैं तीसरे अध्याय की। आज तीसरे अध्याय में बाबा कहते हैं लाइट हाउसेस इन द सी। उर्मिन जी लिखती हैं कि जैसे लाइट हाउस बिल्ड होता है तो बोटमैन को सी के अंदर ships are saved by the alertness when the lights there are. The teachers make the disciple cross the mortal world. The son of knowledge tears the cloud of ignorance of mind when the two principles of patience and dedication. Sai brought the new light of devotion and meditation. He became an umbrella for his children in the scorching heat. Like the mother, he soothed the blistering human breed. Baba apne bacche ke liye chhatri ban gaye and saved him from the हीट ऑफ द सन। जैसे समुंदर में लाइट हाउसेस बिल्ड किए जाते हैं सो दे आर अ गाइडिंग फैक्टर, सेम वे बाबा भी एक स्तंभ है जो अपने भक्तों के लिए खड़े रहते हैं। एंड ही शोज यू टू गो ऑन द राइट और ऑन द लेफ्ट। कर्म आपको ही करना है, वो खाली आपकी इंट्यूशन से आपको बता देंगे। एंड जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करती है, वैसे ही बाबा कहते हैं कि मैं भी हर भक्त को उसी तरह प्रोटेक्ट करता हूँ जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करती है। और यही बात हमने फिल्म में भी दिखाई कि बाबा जब कहते हैं कि मैं हर जन्म में मुझे माँ की ज़रूरत पड़ती है तो माँ को उसने बहुत बड़ी पदवी दी। एंड एवरी टाइम यू थिंक आई विल बी देयर विथ यू। बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, तब तक कॉल करते रहिए 7533009079।